आज मैं हूँ डुमराव रेलवे स्टेशन पे और आज हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 04057 जयनगर आनंद बिहार गरीब रथ एक्सप्रेस में, जो कि वीक में सिर्फ दो दिन रन करती है, मंडे और फ्राइडे को, और आनंद बिहार से ट्यूसडे और सैटरडे को रन करती है। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1252 किलोमीटर का, जिसे कवर करने में लगते हैं इसे 20 आवर 40 मिनट्स, और टोटल इसके 19 स्टॉप होते हैं। इसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और मैक्स परमिसेबल स्पीड जो है 130 किलोमीटर पर आवर। तो आज इस ट्रेन में जर्नी करते हैं। और हाँ, इस ट्रेन की रेक शेयरिंग होती है भागलपुर गरीब रथ के साथ, तो देखते हैं कैसे हैं इसके कोच, और सेम रांची गरीब रथ एक्सप्रेस की तरह इसका भी एक्सपीरियंस करते हैं। मैं आपको इसकी जर्नी दिखाता हूँ, मैं मिलता हूँ इसके अराइवल पे। और बात करें इसकी टाइमिंग की, तो ये निकलती है जयनगर से 12:50 पे मंडे को, और नेक्स्ट डे आपको छोड़ देती है आनंद बिहार में 8:50 पे। तो टोटल डिस्टेंस जो मैंने आपको बताया 20:40 में कवर करती है। तो आज मैं डुमराव से इसे ऑनबोर्ड करने वाला हूँ और देखता हूँ इसका क्या एक्सपीरियंस रहता है, और आपके साथ शेयर करूँगा डिजिटली। वैसे तो पूरी ही नाइट जर्नी होगी, तो बस आप इस जर्नी को एंजॉय करो, और कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए इस जर्नी में, और ये कनेक्टिंग ही जर्नी होगी। मैं इसको कनेक्ट करूँगा पटना कोटा के साथ, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको उसको जर्नी दिखा चुका हूँ। तो मैं पटना से यहाँ तक की जर्नी उस ट्रेन में कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ से आगे तक की जर्नी मैं आपको इस गरीब रथ में दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल देख लीजिए, यहाँ पे खड़ी है एक ट्रेन मधुबनी पेंटिंग के साथ, शंट किया गया है साइड में, और ये कुछ नज़ारा है। लाइटिंग बहुत कम है यहाँ पर, वैसे देख सकते हैं। दो प्लेटफॉर्म का ये डुमराव रेलवे स्टेशन है, इसका स्टेशन कोड है DURE। चलो अब मैं आपसे सीधा मिलूँगा हमारी ट्रेन के अराइवल पे। यहाँ पे इस ट्रेन का टाइम है 7:52 का। देख लीजिए इसमें क्या दिख रहा है, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना जी, सिर्फ दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, इस पर नहीं दिखेगा। सो फाइनली 15 मिनट डिले के साथ हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस आ चुकी है डुमराव के रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। वैब 5 लोकोमोटिव के साथ चल रही है ये। हमारा कोच G2 है, तो काफ़ी पीछे है हमारा कोच, और जैसा कि मैंने बताया था ये भागलपुर के साथ रेक शेयर करती है अपने, तो चाहे इसमें जर्नी कर लो चाहे भागलपुर वाली में, बात एक ही है। चलो अब अपना कोच ढूंढते हैं। सो ठीक 2 मिनट के स्टॉप के बाद हम लोग निकल चुके हैं डुमराव रेलवे स्टेशन से। फिलहाल अभी आप यहाँ के डिपार्चर व्यू को एंजॉय करो। रात
में लाइटिंग के साथ में थोड़ी थोड़ी लाइटिंग जो होती है उनके साथ जो स्टेशन की रौनक है थोड़ी सी बढ़ जाती है। अभी आप देख सकते हो 8:14 पे हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और इसके साथ ही हमारी क्रॉसिंग भी हो रही है, एक ट्रेन के साथ आ रही है सामने। स्टेशन पड़ता है बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में और सर्व करता है बक्सर सिटी को। टोटल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और पटना आरा के बाद काफ़ी ज़्यादा मेन रेलवे स्टेशन भी कह सकते हो, क्योंकि थोड़ा ये बड़ा रेलवे स्टेशन है और बिजीएस रेलवे स्टेशन है। अभी फ़िलहाल बक्सर में 118 ट्रेनों का स्टॉप है और यहाँ से टोटल 3 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 3 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। और यहाँ से आपको हर जगह की ट्रेन मिल जाएगी, अच्छी खासी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, चाहे आप दिल्ली जाना चाहते हैं, बेंगलोर, किसी भी तरह मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए आपको यहाँ ट्रेन मिल जाएगी। और ये स्टेशन पड़ता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में और दानापुर डिवीज़न इसे ऑपरेट करता है, यानी कि हैंडल करता है। और कभी ना कभी आप लोगों ने किताबों में ज़रूर बक्सर की लड़ाई के बारे में पढ़ा ही होगा, तो जितने भी हिस्टोरिक बैटल थे वो यहीं पर हुए थे। और ये कब कब हुए थे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कंटेंट थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नहीं अभी तक जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा तो सपोर्ट करना बनता है ना आप लोगों के लिए। रात को जर्नी कर रहा हूँ मैं तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ।
यहाँ पर मैं आपको बाहर की कंडीशन दिखा रहा था कि वॉशरूम के बाहर का इंटीरियर कैसा है। फ़िलहाल पता नहीं किसी रीज़न से जो आवाज़ थी वो म्यूट हो चुकी है, लेकिन आप बाहर की कंडीशन देख सकते हो। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो इधर साइड में रखा गया और वॉश बेसिन इस टाइप का रखा गया है यहाँ पे। प्रयागराज से निकल चुके हैं हम लोग। बिल्कुल अपने टाइम पे चल रही है, सिर्फ 5 मिनट डिले है। तो बस कुछ हम आधे घंटे बाद पहुंचने वाले हैं कानपुर में, और फिलहाल अभी आप कंडीशन देख लो, पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। वॉशरूम और वॉश बेसिन वगैरह सब एकदम गंदे हो चुके हैं। देखिए ये देखिए क्या हाल करके रखा हुआ है लोगों ने, पूरा जाम हो रखा है। वॉशरूम वगैरह भी एकदम गंदा ही है, पहले जैसी कंडीशन में नहीं है। तो बस मेरे को आपको यही दिखाना था, अभी जस्ट मैं वॉशरूम करने आया था तो मैंने देखा कि एकदम गंदा हुआ पड़ा है। तो फिर चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा कानपुर में, और उसके बाद मैं आपको वहाँ का अराइवल दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, लोग कभी भी सुधर सकते हैं। यहाँ पूरा जाम करके रखते हैं इसको, यही सारा पानी यहाँ आगे गिर रहा है। और देख सकते हो पूरा का पूरा कानपुर सेंट्रल कितना खाली लग रहा है। मैं पहली बार लाइफ में इतना कानपुर सेंट्रल को खाली देख रहा हूँ। और ये हमारे सामने से एक ICF ट्रेन भी डिपार्ट कर रही है। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए कानपुर। शायद ये कोई पार्सल ट्रेन होगी या फिर यहाँ से शेडिंग यार्ड में जा रही होगी। वैसे मैं आपको बता दूँ, कानपुर का स्टेशन कोड है CNP, और काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरलॉकिंग सिस्टम यहाँ पर ही है, और जितनी भी ट्रेन यहाँ से क्रॉस होती हैं सभी ट्रेनों का यहाँ पे स्टॉप होता है, चाहे वो राजधानी हो चाहे कोई दुरंतो ट्रेन हो। और इसके साथ ही अभी हम लोग आ गए हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में, और अभी हमारा डिवीज़न हो गया अलाहाबाद। सो डेट्स ऑल गाइस, काफ़ी ज़्यादा छोटी जर्नी थी, बट जर्नी यहीं पे एंड होती है। और बात करूँ जर्नी एक्सपीरियंस की तो काफ़ी ज़्यादा छोटी जर्नी तो थी, लेकिन करीब हमने 460 किलोमीटर का डिस्टेंस इस ट्रेन से कवर किया है। सो यहाँ हमारी जयनगर गरीब रथ निकल चुके हैं कानपुर से, और हमारी जो जर्नी थी वो कानपुर तक ही थी।
और यहाँ पे ट्रेन आई है 52 मिनट डिले के साथ। और यहाँ 5 मिनट का स्टॉप था, लगभग 15 मिनट बाद यहाँ से निकल रही है। और जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि आपने देखा कि साइड जो मेडल होती है हटा दिया गया था इस कोच में से, तो इससे थोड़ी जर्नी अच्छी हो गई। और बाकी कोचेस में मैंने देखा तो वो थे, लेकिन हमारे कोच में नहीं थे, तो इससे थोड़ा मतलब कंजेस्टेड नहीं लगता है। तो जर्नी जो थी काफ़ी सही रही। कोच मैं आपको बता दूँ G2 था। अगर आप भागलपुर में भी जर्नी कर रहे हैं तो इस कोच को ले सकते हैं, आपको मिडल बर्थ नहीं देखने को मिलेगा साइड में। और सीट भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी थी, कंफर्टेबल थी। तो बस यही था जर्नी में। आई होप आप लोगों ने इस छोटी सी जर्नी को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया होगा तो लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें और चैनल पे अपना सपोर्ट दिखाएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आपके थोड़े से सपोर्ट के कारण आज यहां तक पहुँचा हूँ, और सपोर्ट दिखाओगे तो और आगे तक पहुँचेंगे और इससे भी ज़्यादा बेहतर कंटेंट आपके लिए लाएंगे। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें और जितना हो सके इस वीडियो के साथ चैनल को भी अच्छी तरह फैला दें।